और अभी तक प्रियंका गुप्ता की चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। बस सुबह का समय था और थोड़ा मैंने शाम के समय का वीडियो बनाया था और सुबह के समय बनाया था कि आज गुरुवार था तो साईं बाबा की पूजा भी करनी थी तो वो भी किया, बच्चे को नहलाना। आज हमने एक लड्डू गोपाल की पोशाक बनाई है, अब मैंने आपको बनाना नहीं बताइए लेकिन बनाकर आपको पूरा पोशाक बताई है, आपको कैसा लगेगा कमेंट करके जरूर बताना। उनकी सर्दी आने वाली है, अब गर्मी निकल रही है, बरसात तो निकली गई है, गर्मी निकली गई है, अब सर्दी आएंगी, सो सर्दियों में हमने लड्डू गोपाल की पोशाक बनाई है ऊनी वाली और उनकी टोपी बनाई है, सर्दियों में उनको भी तो ठंड लगती है ना, इसलिए मैंने बनाई है। और आप लोग बताना, आप लोग उनको सीखना है तो कमेंट करके बता देना तो मैं बता दूँगी। और किसी ने कहा है कि लाइक लगा लो आपको तो लगा लेंगे, जब चीज़ सुविधा हो जाएगी तो सब कुछ कर लेंगे। और देखो जैसे सब लोग वीडियो डालते वैसे ही मैंने डाला, मैंने कोई उसमें ज़्यादा उस कल वाले वीडियो में कोई रेस्ट किया कुछ ऐसा डिटेल में कुछ अलग पढ़कर नहीं बताया, जैसा बन जाता है वैसा मैं डाल देती हूँ। और व्यक्ति भी ऐसे वीडियो डालते हैं, कोई अलग पढ़कर कुछ अलग किया रेसिपी या अपने घर की यही काम करने वाले डालते हैं और कुछ नहीं। चलो अब मैं तो वैसे वीडियो कोई देखता ही नहीं है तो उतना वो रहता भी नहीं है, तो कोई मदद ही नहीं करता है तो फिर क्या करना है। चलो आप आ गए, आप जो मैंने किया है काम जो मैंने पूछा है देख लेना। चलो ये वीडियो शाम के समय का है और यहाँ पर कपड़े सूख गए थे और उस पर मैंने सब कपड़े वगैरह उठाकर रख दिए हैं और फिर मौसम ऐसा है और गर्मी फिर जाएँ के जाए पड़ने लगी है और अरे यहाँ पर मेरे लल्ला नीचे ही खेलते खेलते सो गए और मैंने ये लड्डू गोपाल की पोशाक तो मैं हमारा मिशन की पोशाक पहना सकते हैं, उनकी टोपी बन रह गई बाकी तैयार है, लेकिन उनको पहना के भी देख ली है, गर्मी में भी पहना के देख ली है, कितने प्यारे आप पास में आकर देख लीजिए कितनी डिजाइन की कितने सुंदर। आपको मैं सीखना है तो कमेंट करके जरूर बता देना तो हम आपको बनाना बताएंगे। और अभी मैंने इतनी ही बनाई है, छोटी सी एक ही बनाई मतलब आपको बताइए तो वैसी बता रहे हैं लड्डू गोपाल के। और आपको सीखना है तो कमेंट करके जरूर बताना तो हम आपको जरूर बता देंगे, मुझे आती है तो मैंने बनाया, बच्चे की वजह से नहीं बना पाती हूँ, फिर उनका डर लगता है क्रोशियो वगैरह होते हैं ना तो उनका डर लगता, नहीं देख पाया तो उठा कर आप जी सो गया था तब बना दिया, जल्दी बन जाती है एक घंटे में। देखो पंचना तो देखो कितनी प्यारी लग रही है लड्डू गोपाल, देखो कितनी प्यारी बनी हुई है, ये डिजाइन निकाली है, अभी मुझे धागा काटना है कि ये डिजाइन निकाली है, अजीब लगी है। आप लोग कहोगे तो आप लोगों को बता दें कैसी लगी, आप लोग कमेंट में जरूर बताओ, सुंदर लग रही है मेरे पास। ये देखो लड्डू गोपाल को अपने गैस चूल्हे में रख लिया है, अब इनको लेकर कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, कोई गैस पे सवारी नहीं करवाता उसकी, लड्डू गोपाल की पोशाक की जो है वो बनाई मैंने टोपी, आप लोग अब देखो लगा रहे हैं, आपको बता देंगे आपको कैसी लगी। और यहाँ पर जय जय कर रहे हैं, देखो ये उनकी हमने टोपी बनाई है कितनी प्यारी, आप लोग कहोगे तो आपको बता देंगे, ये पूरी मेरी टोपी लड्डू गोपाल की पोशाक पूरी तैयार है जी, उनको खिला रहे हैं।
कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पर मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ और यहाँ पर मैंने साईं बाबा की पूजा कर ली थी। और देखो मेरा दही कितना थक्के वाला जमता है, कल जमाया था, आज थक्का वाला मलाई जैसा जमा हुआ है। और यहाँ पर क्योंकि आज मुझे दही वाली लौकी की सब्ज़ी बनानी है और यहाँ पर मैं लौकी ली है, लौकी को आधी लौकी बनानी, आधी बड़ी है ना तो आधी रख दी है मैंने, फिर उसको आधी लौकी काट रही हूँ, आधी लौकी काट कर बनाएंगे। यहाँ पर क्या है कि अंधेरा इसलिए लगता है क्योंकि बल्ब पीछे के साइड है और जो बर्तन का स्टैंड है ना इसके वजह से दिखाई नहीं देता, इसलिए वो थोड़ा अंधेरा सा आपको लगता है। आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, हमारे अभी हम नहीं कर पाएंगे, रेंट पर रहते हैं तो कहाँ से कर लूँगे। और फिर यहाँ पर दही वाली लौकी की सब्ज़ी बनानी है तो मैंने दही में बेसन, हल्दी, धनिया, मिर्च डालकर और थोड़ा गरम मसाला डाल लिया है। लौकी काट कर धोकर रख लिया है। कुकर में मैंने एक चम्मच तेल, उसमें जीरा, मेथी, हींग और दो खड़ी लाल मिर्च और अदरक मिर्च, हमने प्याज क्योंकि गुरुवार को मैं पूजा कर रही हूँ ना इसलिए नहीं डाला है, आप लोग प्याज लहसुन भी डाल सकते हो। फिर कड़ी पत्ता ये सब मैंने डाल दिया है और उनको थोड़ा भून लेंगे। फिर लौकी डाल देंगे, लौकी को अच्छे से मिला लेंगे। फिर जो दही वाला मिक्सचर बनाया है ना तो वो डाल देंगे, दोनों को मिला कर एक मिनट तक भून लेंगे। फिर उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और पानी डाल देंगे जितना आपको चाहिए क्योंकि दही खट्टा होता है ना। फिर थोड़ा फिर आपको सीटी लगा देंगे आप। फिर यहाँ पर मेरी सीटी आ गई थी और सीटी लगाने के लिए रख दिया और फिर यहाँ पर मैंने आटा भी लगा लिया था और ये मेरी सब्ज़ी भी बन गई, मैंने कुकर रख दिया है। थोड़ा और अच्छे से गैस पर अच्छे तरह से पक जाएगी। फिर गरम मसाला, हरा धनिया में ला देना, ये दही वाली लौकी की सब्ज़ी बनकर तैयार है। खाने में बड़ी स्वादिष्ट लगती है। यहाँ पर मेरे अच्छे से बेटा नहा कर आ गया है, उसको मैं तैयार कर रही हूँ, तैयार करने में नौटंकी करता है, उसके कार्टून चल रहे हैं और अभी बस अभी तैयारी कर आ गई हूँ, उन लोगों को खाना देना है। और मैं इतना ही वीडियो छोटा ही बनाती हूँ, मैं कोई वैसा वीडियो नहीं बनाती हूँ, मेरा वीडियो नहीं लगता है अच्छा। वैसे ही सब लोग अपना वीडियो में बताते हैं और वैसा अलग करके वो कुछ तरीका ले लोग भी नहीं बताते हैं। अब चलो अपनी अपनी ये बाएगी वो अपने हिसाब से कर लेता है इंसान, अपनी अपनी सोच है, सपोर्ट कर सको तो करो नहीं तो वो है ही। फिर यहाँ पर मैं बच्चे को तेल लगा दिया है, उसको कंघी कर